हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज आइटम विच इज रिगार्डिंग एलिफेंट कॉरिडोर्स। देयर इज अ सक्सेस स्टोरी फ्रॉम वायनाड इन केरला। ठीक है, इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर जाएं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक करना ना भूलें। आज मैंने तीन और वीडियोज़ अपलोड की हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी 2020 के लिहाज से। आप जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को भी ज़रूर एक बार स्क्रॉल करके देख लें। कोई ऐसा टॉपिक अगर आपको मिलता है जिसके बारे में आप उतने अवेयर नहीं हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, प्ले कर दीजिए। 5-10 मिनट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। लगे तो 2x स्पीड पर वीडियो को प्ले कर दीजिए, या उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखते रहिए, बड़ा बड़ा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको स्लाइड्स में मिलते रहेंगे। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते, प्लेलिस्ट को चला के सो जाइए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरे पॉइंट्स चले जाएंगे। एग्जाम में जब आपके सामने एमसीक्यू आएगा, आपको याद आ जाएगा कि क्या मार्क करना है। चलिए वीडियो में चलते हैं। देखिए, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है पिछले महीने, जो कि बताता है कि थिरुनेल्ली कुद्रकोटे एलिफेंट कॉरिडोर जो है, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको केरला सरकार ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी। क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी? कि वहाँ के लोगों को हटा दिया था वहाँ, मतलब इंसेंटिवाइज किया था, उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया था, और एलिफेंट अपना फ्रीली आ जा सके, ऐसा एक लंबा कॉरिडोर क्रिएट कर दिया था। इसकी वजह से क्या हो गया है कि वहाँ पे एलिफेंट की मूवमेंट तो बढ़ी गई है, अब वो आसानी से बेचारे आ जा सक रहे हैं। वहाँ पे दूसरी स्पीशीज जैसे टाइगर्स और स्पॉटेड डियर है, तो इनकी भी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। टाइगर देखिए, जिस भी फूड चेन में होते हैं, उस फूड चेन के टॉप पर होते हैं, और फूड चेन के टॉप पे जो स्पीशीज होती है, अगर उसकी संख्या बढ़ रही है, यानी आप कह सकते हैं कि वो पूरा फूड चेन फल फूल रहा है और वहाँ की इकोसिस्टम जो है थ्राइव कर रही है। ये जो वायनाड कॉरिडोर है, ये केरला गवर्नमेंट ने 15 साल पहले इनिशिएट किया था, लेकिन रिजल्ट तुरंत नहीं आते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। WTI और बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय NGOs के साथ मिलके उस समय इट वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन साउथ एशिया, जहाँ की हाथियों के रास्ते में जो डायरेक्टली रहने वाले विलेजर्स हैं, उनको इंकरेज किया गया था कि वो वॉलंटरीली वो वहाँ से हट जाए, कहीं और उनको रिलोकेट कर दिया जाए। ये जो 2200 एकड़ का थिरुनेल्ली कुद्रकोटे कॉरिडोर है, ये ट्राई जंक्शन पे है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के, ठीक है। 37 एकड़ सिक्योर किया गया था टू इंश्योर दैट दिस कॉरिडोर रिमेंस अनब्रोकन, ठीक है, लिंकिंग 6500 एलिफेंट्स एज वेल एज अदर स्पीशीज। यानी कि एक एरिया था जहाँ हाथी बड़े घूमते हैं, उसके बाद कुछ एरिया में इंसान रहते थे 37 एकड़ एरिया में, फिर उसके बाद जंगल चालू होते थे जहाँ हाथी थे, जंगल थे, तो ये बीच के 37 एकड़ से इंसानों को हटा लिया गया और कहा गया कि भाई ये पूरा जो एरिया लिंक हो गया, ये पूरा हाथियों के लिए 6500 हाथी, एक हाथी दिन में 70 किलो फोलियज खाता है, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है। तो यार 6500 हाथी को कितना खाना चाहिए, इसलिए हाथी घूमते रहते हैं, एक जगह पर रहते नहीं है, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं, पानी खाना तुरंत खत्म हो जाएगा अगर वो एक ही जगह पर रहेंगे तो उनको घूमने के लिए जगह चाहिए। इंसान रहेंगे तो इंसान उनके सामने आ जाएंगे, वो इंसान को मार देंगे, फिर इंसान वहाँ, अभी हुआ था बीच में कि कोई पटाखा लगा दिया था किसी फल के अंदर में, वो कहते हैं कि जंगली सुअर के लिए रखा जाता है, उसको सूंघ के भाग जाता है, खा नहीं पाता है, या उसकी आवाज़ से भाग जाता है, पर हाथी था, उसने खा लिया, हाथीनी के पेट में जाके फट गया, तो बेचारी 2 दिन तक नदी में खड़ी रही, फिर मर गई। बहुत इस तरह की घटनाएं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की हो जाती हैं, तो वैसा ना हो, इंसानों को वहाँ से हटा दिया गया। अब ये जो प्रोजेक्ट बड़ी सफल हुई है, तो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, और भी जगहों पर अक्वायर एंड सिक्योर प्रोजेक्ट इनिशिएट किए हैं फॉर एलिफेंट कॉरिडोर इन द स्टेट। केरला में 7 एलिफेंट कॉरिडोर हैं, उसमें से 2 पहले ही सिक्योर हैं, वहाँ पे कोई लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत नहीं है। एक में लैंड एक्विजिशन WTI वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ही कर दिया है, बाकी जो 4 कॉरिडोर बचते हैं वहाँ पे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बता रहे हैं केरला के, कि वहाँ पे उन्होंने प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है कि वहाँ पे लैंड अक्वायर करेंगे, फिर ऐसे ही पूरा एक सीमलेस कॉरिडोर, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है, वो हाथियों का बना देंगे। वायनाड में सबसे बड़ा जो हर्डल रहता है और सबसे बड़ा विन है, इट हैज़ बिन द रिलोकेशन, 200 ग्रामीण थे उनको रिलोकेट कर दिया गया, कि अनब्रोकन कॉरिडोर रहे, वो कच्चे मकानों में रहते थे भूस के, उनको पक्का घर दे दिया गया है, उनको अश्योरेंस ये भी मिल गया है कि उनका जो क्रॉप है हाथियों द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको हटा दिया गया है वहाँ से, पहले उनको हटाया जाए उसके पहले ही रोड बना दिए गए थे, पावर लाइन्स लगा दी गई थी और वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई थी, यानी पूरा प्रोवाइड करने के बाद ही उनको वहाँ से मूव किया गया था। ऐसे ही किया जाना चाहिए हर प्रोजेक्ट में। तो ये जो रिपोर्ट है बताती है कि विलेजर्स ने बताया है कि अब हाथियों के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही नहीं है, उनकी एनुअल इनकम जो है 41,000 से बढ़ के, पर फैमिली से बढ़ के 1,75,000 पर फैमिली हो गई है, ये लगभग 4.5 गुना किसी की एनुअल इनकम बढ़ जाए किसी फैमिली की, तो आप सोचिए क्या असर पड़ेगा उस फैमिली में।
अब उनके क्रॉप बच जाते हैं, हाथी आते नहीं हैं, अब वो मार्केट के नज़दीक आ चुके हैं, शहर के नज़दीक एकदम दूर जंगल के बीच में रहते थे, अब थोड़े शहर के नज़दीक में आ गए हैं तो मार्केट फैसिलिटी भी मिलती है, अपना प्रोडक्ट अच्छा बढ़िया मार्केट में जाके बेचते हैं, जॉब्स भी मिलने लगी हैं उनको, तो उससे इस इन सब चीज़ों से उनकी इनकम बढ़ गई है। फिर अब क्या हेल्थ सेंटर और स्कूल्स के नज़दीक भी हैं, अब वो वैक्सीनेशन वगैरह भी करा रहे हैं, उनके अंदर जो इलिटरेसी थी, असाक्षरता थी, निरक्षरता थी, वो 33% थी, अब वो 28% हो गई है। हर तरह से उनके लिए अच्छा ही अच्छा हो रहा है, हाथियों के लिए तो अच्छा हो ही रहा है, इकोलॉजी के लिए तो अच्छा हो ही रहा है। उसमें और जो सक्सेस हुई, कुछ साल पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहला टाइगर मूवमेंट पकड़ा अपने कैमरा ट्रैप में यहाँ पर, ठीक है, तो पहले यहाँ टाइगर नहीं थे, अब टाइगर भी आ गए हैं। WTI रिपोर्ट बताती है कि जो इनिशियल स्टेज था तो गांव के लोगों ने कहा हमको हटा दो यहाँ से, मैक्सिमम लोगों ने, जो वहाँ से नहीं हटना चाहते थे उनको फोर्स नहीं किया गया, सच एज दोज इन एडायूर वैल जो था वहाँ के लोगों को हटाया नहीं गया, जो वहाँ पर ही रहते हैं जहाँ वो पहले रहते थे, ठीक है, तो उस जगह से लोगों को नहीं हटाया गया। थिरुलाकुन्नु ये जो नाम है वगैरह विलेजेस जो थे वो पूरे रिलोकेट कर दिए गए, विलेजर्स ऑफ सुल्तर वैल को रिलोकेट नहीं किया गया लेकिन लैंड एक्वायर कर दिया गया और उनको अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर प्लॉट दे दिया गया, ठीक है। इस तरह कुल्ला के बहुत सारी चीज़ें हुई। ये थिरुनेल्ली कुद्रकोटे कॉरिडोर का नाम आप याद रखिए, जो पूरी घटना है मैंने आपको बताई याद रखिए, घुमा फिरा के कुछ आपसे पूछ लेगा तो, ठीक है। साउथ इंडिया इज वन ऑफ द हाइएस्ट पॉपुलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलिफेंट्स, ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। इट इज नॉट द नॉर्थ ईस्ट बट साउथ इंडिया, ठीक है। एंड दिस कॉरिडोर कनेक्ट्स सम ऑफ द बिगेस्ट एलिफेंट इनहैबिटेड एरियाज, ठीक है। एलिफेंट कॉरिडोर जब फ्रेगमेंटेड रहता है तो एलिफेंट एक इलाके से दूसरे इलाके में माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, उससे इनब्रीडिंग होती है, जेनेटिकली रिलेटेड स्पीशीज आपस में ब्रीड करते हैं, उनकी हेल्थ भी उतनी डेवलप नहीं हो पाती है तो उनकी पॉपुलेशन कम होने लग जाती है, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट 15 साल बाद रिजल्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि सेंसिटिव नेचर था, लोगों को विस्थापित करना वगैरह, केरला में जनरली कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट रहती है तो अब वो लोग तो नहीं कर सकते ना ऐसे लोगों को हटाने का, जबरन हटा दिया और रिलोकेट कर दिया इस तरह का काम, लोग फिर वोट नहीं देंगे वगैरह, ठीक है। तो और बहुत कम से कम लोगों को रिलोकेट किया गया, जो एकदम डायरेक्टली हाथियों के रास्ते में पड़ रहे हैं उन्हीं को रिलोकेट किया गया है। साउथ इंडिया में 28 कॉरिडोर हैं हाथियों के लिए और 14,600 हाथी हैं, ठीक है। एनुअली भारत में 450 डेथ्स होती हैं इन एनकाउंटर्स विद एलिफेंट्स, इससे और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में 500,000 परिवार अफेक्ट होते हैं, एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, एवरेज हाउस होल्ड साइज इन इंडिया इज 5, तो 2,500,000 लोगों को असर होता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। एलिफेंट हर साल 0.8 से 1 मिलियन 10 लाख हेक्टेयर क्रॉप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हर साल करीब 100 हाथी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में मारे जाते हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई, ठीक है। इस तरह के और प्रयासों की हमें आवश्यकता है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है एशियन एलिफेंट, उसके अलावा क्या है इनके पास, 45 स्पीशीज ऑफ मैमल्स हैं इंक्लूडिंग टाइगर, सांबर्स, स्लॉथ बेयर्स, कॉमन लेपर्ड, गॉर्स, स्पॉटेड डियर्स, ग्रे लंगूस, ऐसा करके बॉनेट, मकाओ एंड द मालाबार जाइंट स्क्विरल, ठीक है। ये नाम याद रखिए क्योंकि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आ चुका है तो इसमें से कौन सी स्पीशीज वहाँ नहीं मिलती हैं ऐसा करके आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। थैंक यू गाइज, ये थी मेरी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की कवरेज, मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक कर लीजिए और जो बाकी वीडियोज़ के लिंक आपको देख रहे हैं उनको चेकआउट कर लीजिए और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।